गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज इतनी इफेक्टिव हेयर डाई शेयर कर रही हूँ कि आपके बाल अगर कितने भी ज़्यादा सफ़ेद है तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा ही देगा। आपको केमिकल लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर प्लीज़ पीने के पानी का यूज़ करें। 1.5 ग्लास लगभग मैंने पानी डाला है। अब इसमें आपको जो पहली चीज़ डालनी है वो डालनी है सिर्फ 4 से 5 लौंग, जिसे हम क्लोज भी कहते हैं। लौंग जिन पर फूल होते हैं ना, वो डालिए तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, लौंग सिर्फ 4 से 5। लौंग बालों के कलर को डार्क करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देते हैं। अब इसमें जो हम दूसरी चीज़ डालेंगे वो डालेंगे शिकाकाई। शिकाकाई की 2 इतनी फलियाँ, ठीक है, इससे भी आप ज़्यादा नहीं डालेंगे। शिकाकाई ना ही सिर्फ ग्रे हेयर के लिए फ़ायदेमंद होती है, बल्कि बालों में थिकनेस देती है, उसके साथ साथ अगर बालों में ड्राइनेस है तो उसे भी ख़त्म करती है। 2 लगभग इस तरह से तोड़कर मैंने यहाँ पर शिकाकाई की फलियों को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1/2 चम्मच के जितना, ठीक है, फ्लैक्सीड सिर्फ 1/2 चम्मच डालना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर बिल्कुल छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच डालें, नहीं तो फिर 1/2 चम्मच, ठीक है। फ्लैक्सीड बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाती है, बालों में थिकनेस देती है। अब यहाँ पर मैंने लिए है कुछ हिबिस्कस की लीव्स, ये भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 8 से 10। उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इस तरह से ग्राइंड करके डाल दूँगी। अगर आपके पास बाई चांस भी हिबिस्कस की लीव्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, अगर है तो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है, खास करके बालों में ये ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आने देती है, बालों को बिल्कुल डीपली कंडीशनिंग करती है। अब मैंने इसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग 2 छोटे ग्लास के जितना हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसे रखना है गैस पर और इसकी एक बिल्कुल पतली सी हम जेल बनाएंगे, ठीक है, जो जेल के जैसे आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी, बल्कि बिल्कुल पतली जेल थोड़ा सा पानी के जैसी दिखनी चाहिए। हमने सब चीज़ें जो है वो बहुत ही कम कम मात्रा में यहाँ पर ऐड की है। अब जब इस तरह से हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हम गरम गरम ही छान लेंगे, क्योंकि हमने फ्लैक्सीड तो बहुत ही कम डाली है, पर हो सकता है फिर भी छानने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि फ्लैक्सीड छानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो गर्म है तभी ही आप इसे छान लें। मैंने इस तरह से सूप की छन्नी से इसे छान लिया है। अब ये बहुत ही गर्म है तो इसे हल्का सा ठंडा होने दें, इतना गर्म हम यूज़ नहीं करेंगे, गुनगुना यूज़ करेंगे, ठीक है। जब ये गुनगुना रह जाए तो हम लेंगे यहाँ पर लोहे का बर्तन और इसमें हम डालेंगे जो अपनी पहली चीज़, वो है हीना, मतलब मेहंदी, किसी भी अच्छी कंपनी के लें, ये काफ़ी अच्छी है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको यहाँ पर हीना का बिल्कुल भी लाल कलर नहीं मिलेगा, डरिए मत, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 3.5 चम्मच बड़े है चम्मच हीना के डाल दिए हैं। हीना को भी हमेशा ढक कर रखें, नहीं तो उसको हवा लगेगी ना तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। मैं इस तरह से हीना को हमेशा ढक कर रखती हूँ। अब जो हमने पानी बनाया था ये हल्का गुनगुना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बिल्कुल ठंडा भी नहीं। इससे हम एक हीना की स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो इस पर लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मैंने हीना को अच्छी तरह से घोल लिया, उसके बाद इसे अच्छी तरह से किसी पॉलीथीन से ढक कर रखें ताकि इसे गर्माहट मिले, हो सके तो ओवरनाइट रखें, नहीं तो कम से कम 6 से 7 घंटे ज़रूर रखें। और इस पानी को भी हमें आगे यूज़ करना है, इसे भी आप रख दें। अब हीना हमारी, मैंने एक्चुअली इसे ओवरनाइट रखा था, हीना हमारी बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुकी है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से दिखेंगे, हमने इसमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है, इसलिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसका भी कलर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, पर हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। अब जो हमने पानी रखा था ना,
उस पर हम नॉर्मल फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर भी आप प्लीज़ पीने के पानी का यूज़ करें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे, ठीक है, गुनगुना नहीं गरम करना है। अब मैंने लिया है एक बाउल यहाँ पर, और इसमें हम जो डालेंगे वो है इंडिगो। देखिए, जिस कंपनी का हमने हीना लिया है उसी ही कंपनी का हम यहाँ पर इंडिगो पाउडर ले रहे हैं। अब आपको इंडिगो कितना लेना है, जितनी आपने हीना ली थी उससे डबल, डबल से भी ज़्यादा। मतलब कैसे है, अगर 2 चम्मच हमने हीना ली है तो 5 से 6 चम्मच हमें इंडिगो लेना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो। देखिए, इंडिगो बालों को ड्राई करता है, ये बात बिल्कुल सच है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं करता है वो गलत है, इंडिगो बालों को ड्राई करता है। पर अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो ड्राई नहीं करता है, और इंडिगो कोई केमिकल नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये आता है कि इंडिगो एक केमिकल है, पर ये केमिकल नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, अगर सिर्फ हम इसे पानी में घोलकर लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो हमें बेस्ट मिलता ही है, पर प्रॉब्लम ये होता है कि बालों में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है और फिर लोग इसे लगाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से लगाने से ड्राइनेस नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है बिल्कुल एकदम जेट ब्लैक नहीं, हल्का सा ब्राउनिश ब्लैक मिले कलर, ठीक है। अब इंडिगो को अच्छी तरह से गर्म पानी से घोलने के बाद इसे आपको ढककर लगभग 10 से 15 मिनट तक छोड़ना है, ताकि इंडिगो की डाई बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए और इंडिगो को हवा नहीं लगनी चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, बहुत ही अच्छी तरह से एयर टाइट करके रखें, ठीक है। लगभग 10 से 12 मिनट के बाद देखेंगे तो इंडिगो की डाई बहुत ही अच्छी तरह से रिलीज़ हो गई है। आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल ये पर्पल शेड का आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये हमारी इंडिगो की डाई अच्छी तरह से रिलीज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मेहंदी बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इंडिगो आपको लोहे के बर्तन में डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इंडिगो लोहे के बर्तन में नहीं डालते हैं, ऐसे ही किसी प्लास्टिक के या फिर कांच के जो बाउल आता है उसमें बनाएंगे आप, ठीक है इंडिगो। अब क्या करेंगे, मैंने जो हीना ली थी बनाई थी उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए अगर हम 1 स्टेप हीना इंडिगो करते हैं तो। अब किसी किसी के सर में ये दर्द करता है इंडिगो का स्मेल, तो आप इसमें कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल के डालें, ठीक है, इससे आपको सिर दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे अपने साफ बालों में छोटे छोटे सेक्शन करके अच्छी तरह से लगा लें, कम से कम 2.5 से 3 घंटे ज़रूर रखें। अपना शावर कैप पहन लें, सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करें। 2 दिनों तक बालों पर कुछ भी नहीं लगाना है, 2 दिनों के बाद ऑयलिंग करनी है। उसके बाद किसी बिल्कुल माइल्ड से शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें, 15 दिन में एक बार लगाएं, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।